तो स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी पुराने ब्लॉग में बताया था हम जा रहे हैं मेला देखने, तो हम आज जा रहे हैं मेला देखने। तो हम जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ, तो यहाँ पर उसने पकड़ रखे लिफ्ट, तो इस पर बैठ कर जाते हैं। इतने हमारा मुन्ना दोस्त आने वाला है, ये देख सकते हैं आप, मुन्ना आ चुका है। तो मुन्ना के साथ जाएंगे हम बैठ कर। तो हम मुन्ना के साथ जा रहे हैं, उसकी बुलेट ले गया है आज, हम बुलेट में जाएंगे। ये रहा हमारा रऊपरा, हमने अपना रऊपरा क्रॉस कर दिया है। तो अब हम जा रहे हैं भोले की तरफ। जैसे जाते जा जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, भोला और पास आता जा रहा है। तो देखते थे हम कहाँ जा रहे हैं, भोले के मंदिर। क्या देखने, देखने मेला, क्या देखने मेला। तो हम इतनी लेट जा रहे हैं, यहाँ जनता वापस देख के आ चुकी है, तो हम इतनी लेट निकले। यहाँ देख सकते हैं यहाँ भंडारा हो रहा है, हमें भंडारा भी नहीं मिला, हम इतनी लेट निकले हैं घर से। तो यहाँ पे एक और भंडारा होता था, वो भी नहीं मिला हमें। तो जैसे आगे आगे देखते देखते हमें कोई भंडारा ही नहीं मिला। तो हमें यहाँ इतनी सड़क पे इतनी पब्लिक चल रही है, और हमें ऐसे जैसे ही देखा हमने भंडारा मिला, तो इतनी भीड़ थी, हमें कुछ पत्थर ही नहीं मिले खाने के लिए। हमने इसको पीछे छोड़ा, हम चल दी आगे। देखो बोल बोले की, बोल बोले की। तो यहाँ पर अभिषेक भैया कावड़ियों के लिए अलग उत्साह जगाते हुए। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं गांव में, किसके गांव में, जहाँ मंदिर लग रहा है। कौन सा मंदिर, भोले जी का मंदिर। तो हमने अपनी यहाँ, हम देख रहे हैं अपनी बाइक कहाँ खड़ी करें इस गांव में। तो हमें पता चला है अभिषेक का दोस्त रहता है, तो हमने उसके घर बाइक खड़ी करी। तो हम चल चुके हैं पैदल पैदल। क्या देखने, भोले जी का मंदिर देखने और मेला देखने। तो जैसे ही हम आगे चलते चलते हम आ चुके हैं यहाँ पर थोड़ी सी दूर, बस थोड़ा सा और इंतज़ार। यहाँ में पब्लिक मिल गई है, तो इंतज़ार होता हुआ ख़त्म। तो हम आ चुके हैं यहाँ मेला देखने। तो ये देख सकते हैं बहुत बड़ा चरक है, इतना बड़ा चरक है, 5 मंजिल भी फेल। तो भीड़ इतनी लग रही है, ना जाने कितनी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ लोग जा रहे हैं मेला देखकर। तो हमें जैसे हमने देखा, तो हमें गांव के सुपरस्टार मिल गए हैं बिरयानी खाते, सस्ते बिरयानी लवर। तो हमने सस्ते बिरयानी लवर को पीछे छोड़ा। यहाँ हमें एक और भैया अपने गांव के मिल गए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इतने तगड़े भोले जी के भक्त हैं, यहाँ परिक्रमा करके जा रहे हैं भोले जी के दर्शन करने। तो चलिए अब समय आ गया है आपको भी भोले जी का दर्शन कराने। किसके दर्शन कराने, भोले जी के दर्शन कराने। कहाँ पर, भोले जी के मंदिर पर। कहाँ पर, भोले जी के मंदिर पर। जैसा कि आप अब देख सकते हैं, आपको भी कुछ कुछ दिखने लग गया होगा। अरे ये नहीं देखना आपको भाई भाई, ये नहीं देखना। जो हम देखना है आपको, सिर्फ वो ही देखना है। हम क्या देखना है, भोले जी का मंदिर और मेला। तो चलिए उस पर ही फोकस रखते हैं हम, और किसी को पीछे छोड़कर जो चलते हैं हम आपको मंदिर दिखाने। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी तगड़ी लाइन लगी हुई है, और ये रहा आपका मंदिर जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे इतनी देर से, इतने दिनों से आपको इंतज़ार कराया। तो देखिए यहाँ पर भीड़ और लाइन इतनी तगड़ी तरीके से लगी हुई है। अभिषेक भैया तो देख नहीं रहे हैं किसी को, ये तो अपने टसन में है। यहाँ देखिए आपको अंदर तक लाइन लगी हुई है। तो आपने लाइन देख चुकी होगी कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए। तो जैसे ही अभिषेक भैया यहाँ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सोचा विचार ही कर रहे हैं कि मैं पढ़ाई छोड़कर मैं अपनी इन्हीं दुकानों को खोलूंगा। तो उनने हिसाब लगाया कि मेरी पढ़ाई से कम, पढ़ाई के बाद जो मैं कमाऊंगा उनसे इनकम से ज़्यादा इनमें इनकम है। तो भैया ने बहुत देर दिमाग लगाया, तो उनको पीछे छोड़ कर हम चल चुके हैं आगे। तो यहाँ पर प्रशासन है काफ़ी, लफड़ा अपड़ा नहीं हो जाए। तो यहाँ पर दान पेटी है, कोई दान करना चाहे तो दान भी कर सकता है। तो चलिए हम घुस चुके हैं अब कहाँ पर, मेले में। तो आपको मेले के कुछ सीन दिखाते हैं, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कार्य चल चुका है, और हम घुस चुके हैं मेले के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं अपनी काम की चीज़ जैसी आपको देखनी हो वैसी भी देख सकते हैं, जैसा कि हम कहना चाह रहे हैं। आप समझ गए होंगे कैसी चीज़ कह रहे हैं। तो यहाँ अभिषेक भैया को दिखी थी चश्मे की दुकान। तो अभिषेक भैया मुन्ने भैया की मैं चुल्ले, तो वो आ गए हैं चश्मे देखने, और चश्मे देखने का इन भैया के मजे लेने। तो इन भैयाओं ने कहा चश्मे निकालने के लिए, तो इनने निकलवा लिए मिस्टर कबीर सिंह वाले चश्मे, और ये देख रहे हैं पहनकर। सस्ते कबीर सिंह बनते हुए हैं अभिषेक भैया, और ये कह रहे हैं थोड़ा अच्छा फील नहीं आ रहा। तो चलिए छोड़ते हैं परे को, चलते हैं अब। और ये भैया मुन्ना भैया कहने लगे तो लॉकेट देख लो। हमने कहा वो भैया जले पर नमक छिड़क रहे थे, हम ये लॉकेट हम किसको देते। तो हम इन सबको पीछे छोड़ कर हम चल चुके आगे। तो जैसा कि आप देख सकते, ओ हो हो, ये हम आ चुके गलत गली में, इस गली में हमारा कुछ काम नहीं है। तो कृपया आप इस गली को ज़्यादा ध्यान से ना देखें, ये हमने आपके लिए लगा दी बस थोड़ी बहुत। तो आगे हम जैसे ही चलते चलते
ये हम आ चुके हैं झूलाओं के पास। झूलाओं के पास से हम जैसे ही गुजर रहे थे तो हमें मिल गए यहाँ कुछ लोग, तो हमें उन लोगों को पीछे छोड़ा। तो जैसे ही हम, ये अभिषेक भैया पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये बहुत दुविधा में है यहाँ, ये जिसको ढूंढ रहे हैं वो मिलेंगे। भैया बहुत परेशान हो रहे हैं यहाँ पर एक छल्ला ढूंढने के कारण। जल्दी जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दो भाई। तो चलते हैं हम आगे की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, देख रहे होंगे आप खूब, ये भैया मिल चुके हैं हमारे जानकार, तो हमने इनसे हाथ बात मिलाया तो इनको छोड़ा पीछे। हम चल चुके हैं अब अपनी आगे की ओर मेला देखने। तो यहाँ अभिषेक भैया जा रहे हैं यहाँ हवाई जहाज, मतलब छोटे हवाई जहाज में झूला में झूलने के लिए। तो उससे पहले ये भैया बतलाएंगे तो चलिए देखते हैं। भाई 70 रुपये का टिकट है क्या? हम ना भाई, हम ना झूल ले। बड़े झूला पे ना झूलते हुए हम चल चुके आगे की ओर। तो अभिषेक भैया सोच रहे हैं अब कि झूलें या नहीं झूलें, तो ये सोचा विचारी कर रहे हैं बहुत। ये हाई कर रहे हैं, देख सकते हैं इनके इतने तगड़े फॉलोवर हैं भाई, ये हाई कर रहे हैं। तो ये अब चलती हैं छोटी आतिशबाजी करने, पर उससे पहले ये मान ही नहीं रहे हैं, इनका मन इतना उग रहा है कि झूलने के लिए कि भाई मैं झूलूंगा ही। पर हमने कहा भाई हमारे बस की नहीं है झूलना, कि चलिए चलो चलते हैं आगे की ओर। तो अभिषेक भैया ने चल दिया आगे की ओर। तो ये भैया कर रहे हैं अब आतिशबाजी, बंदूक ली और ये चला दी गोली। ये बहरे में बहुत इंसान गोली चला देते हैं हर किसी पे ऐसे ही। तो भैया फिर बहसबाजी करते हुए फिर इनको पीछे छोड़ के तो फिर चल दिए हम। अभिषेक मन ही नहीं कर रहा इनका पीछे छोड़ने का। छोटी नाव, सस्ती नाव जिसे आप कहते हैं भैया, यहाँ की टिकट तो पूछ ले। तो जैसा ही आपने देखा होगा टिकट थी 180 रुपए की, हमारे पास थे सिर्फ कितने 150 रुपए। तो वो प्लान भी रद्द हो चुका है। तो इसको कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी झूला, जिससे आपका सिर नीचे और पाम ऊपर आ जाते हैं। तो इसको इनको भी पीछे छोड़कर यहाँ देख सकें छोटा तूफान, ये और भी तगड़ा तूफान, ये छोटे बच्चों के लिए छोटा तूफान। तो जैसे आपको देख रहे होंगे छोटे तूफान के वो बैठे हैं ड्राइवर इस पर। तो हम इनको भी पीछे छोड़कर जैसे ही आगे चलते चलते भैया को पता नहीं ये भैया क्या ढूंढ रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा इनको। अब भैया फिर आ चुके हैं यहाँ पर छोटे खिलौने, ये भैया अपने बच्चों के लिए खिलौने देख रहे हैं। तो जैसा भी आप खुद देख सकते हैं हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो भैया को अपने बच्चों के लिए खिलौना पसंद ही नहीं आए, ये खुद ही खेलने लग गए यहीं पर। तो चलिए भैया फिर दूसरी दुकान पर पहुंच चुके हैं। ये यार बहुत दुविधा में हैं, आपको खूब लग रहा होगा वीडियो में देखते देखते। तो आप देख सकते हैं अभिषेक भैया की अभी तक दुविधा खत्म नहीं हुई है। फिर उस दुकान को छोड़ के दूसरी दुकान पर आएंगे चक्कू लेने के लिए। ये भैया मर्डर करने की सोच रहे हैं, तो हमें गलत लगा। ए भैया हमें दोबारा मिल चुके हैं, तो आप इनको देख सकते हैं खूब आराम से। ए भैया ने देखो मर्द लिखवाया है, मर्द इन भैया ने मर्द लिखवाया है, दिखाओ। तो भैया ने हमें वहां तो मर्द नहीं दिखाया, तो हमने घर आकर देखा तो भैया ने सच में मर्द लिखवा रखा था। कहाँ पर? अपने दिल के ऊपर कते बिल्कुल। तो हम जैसे 1-2 घंटे के बाद घूमने के बाद हम मेला घूमने के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पर दोबारा लाइन में देखने के लिए। तो लाइन में अभी तक कुछ बदलाव नहीं है, जितनी भीड़ थी उतनी ही भीड़ है। तो यहाँ भोले बाबा जी के इतने तगड़े भगत हैं यहाँ पानी जड़ चढ़ाने के लिए, सॉरी जल चढ़ाने के लिए अभी तक लाइन में खड़े हुए हैं, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं। तो एक से एक बढ़कर है यहाँ पर, सब कावड़ वाड़ ही हैं लाइन में लग रहे हैं आगे से लेकर पीछे तक, सुबह से बिना खाए कुछ पिए। तो देख रहे हैं कितने तगड़े भगत बैठे हुए हैं। ये रहा भोले जी का मंदिर जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। तो यहाँ मिल चुके हैं असली गन्ने लवर, गन्ना जूस लवर मुन्ना और अभिषेक भाई। तो गन्ने का जूस पीते पीते हुए तो भैया फिर बहस कर रहे हैं यहाँ पर कि यार आज सुबह थे ही दुविधा में। तो यहाँ देख सकते हैं हम आ चुके हैं कलाकारी देखने। तो भैया कलाकारी दिखा रहे हैं भैया के हाथ पर, तो भैया अपने हाथ पर कलाकारी करवा रहे हैं। तो मुन्ना भैया फिर आपके मुन्ना भैया दुविधा में पड़ चुके हैं कि मैं करवाऊं या नहीं करवाऊं। तो भैया ने बहुत सोचा विचारी करी तो भैया ने मना कर दिया।
तो ये देख सकते हैं कहीं मिले ना मिले आपको ये जरूर मिलेगा हर जगह हर कहीं पे। तो उनको भी हमने पीछे छोड़ा तो कलाकारी देखने के लिए, कलाकारी को भी हमने अपनी कलाकारी पूरी देख ली, भैया की कलाकारी हमने अपनी नहीं भैया की कलाकारी। तो चलिए ये अभी तक नहीं गई हैं, ये फिर आ गई हमारी वीडियो में। तो चलो इनको पीछे छोड़ो, आगे छोड़ो पीछे छोड़ो, बात तो ये गई। तो भैया फिर दुविधा में फिर चश्मे चेक करने लग गए, ये कह रहे हैं कि ये चश्मे मलूक नहीं है, दूसरे चश्मे देखते तो इनमें बेटर फील हो रहा है। भैया ने ये कहा, फिर खैर छोड़ो, दुविधा में ही चल रहे थे आज ये। तो मुन्ना देख, मुन्ना बेहाल हो रहे हैं आज, मुन्ना की भी आज हालत ख़राब है। तो हमने सब कुछ देखा, बढ़िया देखा, आपने भी देखा मेला कैसा था। तो अब चल चुके हम घर की ओर। तो जैसे घर की ओर चलते चलते अभी तक भी समथिंग 4 बज रहे हैं शाम के, अभी तक भी कावड़ वाले आ रहे हैं। तो बहुत तगड़े भगाते हैं जी यहाँ के। तो इनको सबको पीछे छोड़ा, अब मेले को भी पीछे छोड़ा हमने। तो अब चल चुके हैं अपने घर के। ब्लॉग होता है यहीं पर ख़त्म। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप ऐसे ब्लॉग चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलो चलते हैं अपने घर की तरफ। ये रही हमारी बाइक की चाबी, ये रही हमारी बाइक। तो चलो सी यू।